मुझे तो टिप्स वाला ने बनाया है और आप देख रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक गरीब मजबूर लड़की की कहानी। क्या कहा, ना तो मैं गरीब हूँ ना मैं मजबूर, मजाक चल रहा है क्या ये? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं किसी और टॉपिक पे यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बना देता। इस ऐप से लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं क्या? यहाँ पे आपको कोई एक लाइन की कहानी लिखनी पड़ेगी जिससे कि ये पूरी की पूरी कहानी बना देगा। मोटा पतला लंबा छोटा लंबा छोटा। समझ रहे हो? समझ भी जाओगे और YouTube पे धमाका भी मचा दोगे अगर ये वाली वीडियो तुमने पूरी अच्छे से देख ली। दोस्तों अक्सर हम लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखकर अपनी खुद की वीडियो YouTube पे डालने का सपना देखते हैं। Yes! खास करके ऐसी कार्टून लॉन्ग वीडियोस या ऐसी कार्टून शॉर्ट वीडियोस जब सामने आती है जिन पे मिलियंस में व्यूज होते हैं और पैसों की बारिश होती है, तो हमें लगता कि काश हम भी कार्टून वीडियोस बना सकते, वो भी अपना फोन का यूज करके। हाँ तो इनको मना किसने किया है? टिप्स वाला की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी क्या इन्होंने? अरे अरे आराम से, बहुत सारे ऑडियंस जो है मेरे वीडियोस जो देखते हैं वो लोग नए हैं और उन्हें मेरे पुराने कार्टून वीडियो ट्यूटोरियल्स के बारे में नहीं पता, बाद में देख लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन ये वाली ट्यूटोरियल सबसे अलग है, काफी हटके, बहुत मजेदार है। दोस्तों आज मैं एक ऐसा ऐप बताने जा रहा हूँ जो आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ। आप अलग अलग कैरेक्टर्स टेम्पलेट्स का यूज करके कार्टून शॉर्ट्स बना सकते हो या लॉन्ग वीडियोस बना सकते हो और फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपलोड करके पैसे कमा सकते हो। 100% ओरिजिनल वीडियो बनने वाली है आपकी फ्री में, जितना चाहो उतना। क्या बढ़िया था गुरु, यानी कि अनलिमिटेड। और इसी ऐप में एक ऐसा फीचर भी है जहां आपको स्टोरी की एक लाइन सिर्फ लिख देनी है और ये ऐप आपके लिए पूरी की पूरी स्टोरी लिख देगा और कार्टून वीडियो भी बना देगा। और जिन्होंने मेरी पिछली वाली ये वाली वीडियो नहीं देखी जहां मैंने बताया है कि आप रिएक्शन चैनल कैसे बना सकते हो एक फोन दो फोन या अलग अलग तीन फोन का यूज करके या लैपटॉप या पीसी का यूज करके, सारा का सारा तरीका उसमें मैंने बता दिया। और वो वाली वीडियो मैंने एक इंस्टाग्राम फॉलोअर के रिक्वेस्ट पे बनाई थी। आपको फिर से मैं बता दूं, वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, मेरे पास जो जो कमेंट्स आते हैं मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, आप ही की रिक्वेस्ट लेके, आप अगर पूछोगे कि भाई ये वाली वीडियो कैसे बनाऊं, ये कैसे काम करता, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं, ये लोग कैसे पैसा कमा रहे, ये सब कमेंट आप मेरे इस वीडियो के नीचे करो, प्रॉपर लिंक दे दो कि भाई ये वीडियो ये चैनल कैसे काम करता है, तो मैं उसी पे ट्यूटोरियल बना दूंगा या सीधा आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ज्यादा मत सोचो, कमेंट करना शुरू कर दो। तो चलिए चलकर देखते हैं इस धमाकेदार ऐप के बारे में, ये कैसे काम करता है और आप कैसे यूट्यूब शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो कार्टून वाले बना सकते हो फ्री में अनलिमिटेड। तो दोस्तों ये वाली एक वेबसाइट है जिसका नाम है latestjokes.in। यहाँ पे आप ट्रेंडिंग जोक्स ढूंढ सकते हो, टॉपिक के हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये देखो इतने सारे जोक्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी कॉपीराइट वाला सीन नहीं है क्योंकि आप वीडियो में ये जोक्स यूज कर रहे हो। और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना हल्का फुल्का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जोक्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप YouTube शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के लिए अच्छा खासा कंटेंट उठा सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों यही वाला ऐप था जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये देखो स्केलेटन, बैड ब्रेथ, बियर विथ मी, 8 लाइव्स, दैट्स सो फेच, आई लाइक टर्टल्स, कहीं पे भी कोई सा टेम्पलेट यूज करके आप यहाँ पे अपना हिंदी वॉइस ओवर के साथ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे बस आपको कहानी एक लाइन में लिखनी पड़ेगी और बाकी का सारा काम यही ऐप कर देगा बिल्कुल फ्री में। सब कुछ मैं आपके आंखों के सामने करने वाला हूँ। तो चलिए इसमें से एक टेम्पलेट चूज करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे रेड पिल ब्लू पिल ये वाला मैं करता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है, थोड़ी देर में आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे कहानी ऊपर ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, आप यहाँ पे अपनी कहानी भी डाल सकते हो। यहाँ पे दो कैरेक्टर से एक बाएं तरफ है और एक दाईं तरफ है, यहाँ पे आप अपनी वॉइस ओवर डाल सकते हो। ये देखिए पहले वाले कैरेक्टर पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, तो ये पहला कैरेक्टर सिलेक्टेड है। अब जो भी आप यहाँ पे लाल रंग के बटन पे क्लिक करके रिकॉर्ड करोगे वॉइस ओवर, वो पहले वाले कैरेक्टर का वॉइस बन जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले कैरेक्टर पे मैंने क्लिक किया,
अब मैं जो रिकॉर्ड करूंगा ये दूसरे वाले कैरेक्टर के वॉइस के अंदर आ जाएगा, वो वाला मटेरियल जो भी कंटेंट रहे। तो अभी मैं पहला वाला वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मॉफी। और आपको मैंने एक वेबसाइट वीडियो की शुरुआत में बताया था जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जोक्स वगैरह उठा सकते हो, तो मैं अपना एक दूसरे वेबसाइट से मैंने जोक्स लिख के रखा है वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो। ये देखो कैमरा वाला जो बटन यहाँ पे बना हुआ है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो ये आपका सीन चेंज हो जाएगा कि आप कौन सा सीन रिकॉर्ड करना चाहते हो, ये तो वो चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे आप एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से कैरेक्टर वापस से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये कैरेक्टर पसंद नहीं है तो यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर चूज कर सकते हो। आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आप कैरेक्टर को मूव कर सकते हो। ये देखो आप कैरेक्टर आपका मूव करने लगा है। ये देखो यहाँ पे जो एरो बना हुआ है ना, इसको ऐसे उंगलियों से आप अगर स्क्रॉल करोगे तो ये दाईं तरफ बाईं तरफ सामने की तरफ कहीं भी घूम जाएगा। ये देखो मैं इसको दाईं तरफ घुमा रहा हूँ इस वक्त, अभी मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ। तो ये एरो का यूज करके आप कैरेक्टर को घुमा सकते हो। इसी तरीके से मैं ये दूसरे वाले कैरेक्टर को भी ऐसे घुमा सकता हूँ, इस तरीके से दूसरा कैरेक्टर भी घूम रहा है। अगर आपको वॉइस ओवर नहीं करनी है यहाँ पे तो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको अपनी वॉइस की जगह, ये देखो यहाँ पे वॉइस फिल्टर भी बहुत जल्दी ये ऐप लॉन्च करने वाला है, ये सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पे जाओ और यहाँ पे कोई सा भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो, ये कैरेक्टर आपकी जगह पे बोलेगा। तो इतना आसान हो गया, यहाँ पे लड़के और लड़की दोनों की आवाजें हैं, ये दोनों आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस वक्त मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इसीलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो फिलहाल मैं अपना जोक जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहले कैरेक्टर के लिए। अरे क्या बात है, इतना खुश क्यों लग रहा है तू? तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब देखो ये दूसरा कैरेक्टर अभी यहाँ पे सीन में आ चुका है। ये पहले से बने हुए टेम्पलेट से, आप चाहो तो अपना टेम्पलेट खुद भी बना सकते हो शुरुआत से, वो भी मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर को एक दूसरा जोक देना है, मतलब पहले वाले कैरेक्टर ने पूछा कि इतना खुश क्यों लग रहा है, तो अभी ये जवाब देगा। तो इसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड में करने जा रहा हूँ। अरे यार आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने ट्रेन में बात की। अब देखो ये दूसरा सीन आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे इसका अगला डायलॉग देना है, तो यहाँ पे मैं इसका अगला जोक्स का जो मेरा अगला पार्ट है वो मैं डालूंगा। अरे क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर ली उस लड़की ने तुझसे? तो ये हो चुका है। अभी ये कैरेक्टर का जो है आखिरी वाला जो पंच लाइन है वो मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे लाल वाले बटन पे वापस से क्लिक करता हूँ। अरे भाई उस लड़की ने मुझसे कहा हट जाओ, ये लेडीज सीट है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये लाल वाला बटन वापस से मैं दबाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये बंद हो जाएगा। तो ये मेरा सारा वीडियो जो है कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब ऊपर जो एक्सपोर्ट का बटन है उस पे क्लिक करके आप वीडियो को अपने फोन में सेव कर सकते हो, और कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इस वाले शॉर्ट को आप अपने किसी वीडियो एडिटर में फोन पे फ्री वाले किसी वीडियो एडिटर में ले जाकर थोड़ा सा इधर उधर कट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, वरना जरूरत नहीं है, यहीं से सीधा आप अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे। अभी मैं इस ऐप के काफी सारे नए फीचर्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को पूरी देखना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस वाले बंदे के ऊपर जो कि पहला वाला बंदा है, और नीचे एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब एडिट के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स आ गए। ये देखो ये आपका कैमरा वाला ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे सीन कैसा आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाता है। अब देखो ये वाला सीन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये दोनों ऐसे खड़े होंगे, ये दूसरा सीन है, ये आपका तीसरा सीन ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये जो ग्लोब का ऑप्शन बना हुआ लास्ट में, इस पर जब हम क्लिक करते यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये देखो ये बैकग्राउंड ये ऐसा हो गया, ये देखो ऐसे बैकग्राउंड, नया बैकग्राउंड आ गया, ये देखो क्लासरूम का बैकग्राउंड आ गया, ये घास फूस वाला बैकग्राउंड आ गया, ये देखो ये मारियो गेम वाला बैकग्राउंड आ गया, और भी कई सारे बैकग्राउंड है। ये देखो घर वाला बैकग्राउंड आ गया यहाँ पे, ये देखो ये पहाड़ों का बैकग्राउंड आ गया, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रैच से कैसे वीडियो बना सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत से कोई टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो ये कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अबेंडन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्रिएट वाला ऑप्शन दिखता हुआ, या तो आप यहाँ से टेम्पलेट चूज कर सकते हो या अपना खुद का यहाँ पे कार्टून बना सकते हो। तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो अब यहाँ पे क्रिएट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को हम लास्ट में देखेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हैं या कैरेक्टर क्रिएटर कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर क्रिएटर पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ से कोई सा भी कैरेक्टर आप चूज कर सकते हो, जैसे कि पहला वाला कैरेक्टर मैंने चूज किया। अब इसके चेहरे का कलर क्या होगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब देखो ये बॉडी कैसी होगी, हाइट इसका कितना होगा, ये देखो हाइट कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो।
अब यहाँ पे इसकी मोटाई भी कर सकते हो। ये अगर मोटा कैरेक्टर आपको चाहिए तो ये कर दो, देखो इसका पेट फुल गया है यहाँ पे। या पतला कैरेक्टर करना चाहते हो इस साइड में, आपको लेफ्ट साइड में इस लाइन को लेके आना, ये देखो मोटा पतला, मोटा पतला, लंबा छोटा, लंबा छोटा, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। और बालों का यहाँ पे हेयर स्टाइल भी आप चूज कर सकते हो। ये देखो अभी मान लो बालों का कलर मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, ये देखो ब्लैक हो गया। अब ये देखो हेयर स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कपड़े कौन से आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ये देखो जैकेट पहना दिया मैंने, ये लाल रंग का स्वेटर पहना दिया मैंने, आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये देखो एक और जैकेट पहना दिया, हाफ जैकेट हो गया ये, इस तरीके से आप कर सकते हो। आप यहाँ तक कि आप नीचे के पैंट भी चूज कर सकते हो। ये देखो अब ये गजब का पूरा कॉम्बिनेशन बन गया, ब्राउन ब्राउन दोनों पहना हुआ इसने। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरा कैरेक्टर बन चुका है। अब वापस से मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे शुरुआत से एक कार्टून वीडियो बनानी है, तो यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये आपकी लोड होगी ये टेम्पलेट। अब देखो यहाँ से शुरुआत से आप काम कर सकते हो। ये वाला कैरेक्टर अभी अभी मैंने बनाया था, ये देखो ये साइड में आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो इस पर क्लिक करता हूँ, ये कैरेक्टर मेरा आ चुका है यहाँ पे। अब इसका सीन वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ कि ये मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ, ऐसे रखना चाहता हूँ, या ऐसे रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ए में इस टाइप का रखना चाहता हूँ, बी में इस टाइप का रखना चाहता हूँ, सी में इसी टाइप का रखना चाहता हूँ। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ये देखो रीपोजिशन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ पे आप उसको कर सकते हो। तो डन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो तीनों यहाँ पे पोजिशन मेरे सेट हो चुके हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ये देखो बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे मान लो घास फूस वाला बैकग्राउंड ये सही लग रहा है मुझे, तो ये बैकग्राउंड मैं पीछे रखता हूँ, ये देखो। या फिर मैं यहाँ पे दूसरा स्कूल का या फिर घर का बैकग्राउंड रख सकता हूँ। तो ये मेरा हो चुका है, तो ये मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अब मैं अपना वॉइस ओवर यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब देखो ऊपर आपको एडिट स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हाय माय नेम इज मोनिका हाउ आर यू, ये मैं पूरा इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखो ये मैं अगर प्ले करके यहाँ पे देखता हूँ कैसा आवाज यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके का कुछ साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देगा और इसको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसी कार्टून स्टोरी हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मोनेटाइज्ड ये हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 500% मोनेटाइज नहीं होगा, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता मोनेटाइजेशन के लिए एक्चुअली क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं इस स्टोरी को कैंसिल करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अबैंडन के ऑप्शन पर वापस से क्लिक करूँगा। अब देखो मैं क्रिएट पर वापस से क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जनरेट विथ AI के ऑप्शन पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक स्टोरी लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कोई एक लाइन की कहानी लिखनी पड़ेगी जिससे कि ये पूरी की पूरी कहानी बना देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ किंग लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन गैम्बलिंग, यानी कि एक राजा था जिसने अपना जो अपनी सारी दौलत जो है वो जुए में वो हार गया। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे आप 4 लाइन चाहिए, 5 लाइन चाहिए, 6 लाइन चाहिए, 7 लाइन या 8 लाइन या 10 लाइन चाहिए, वो आप स्टोरी की लेंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस वक्त मैं YouTube शॉर्ट्स के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं 4 या 5 लाइन रखूँगा। अब कलर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप ग्रेडियंट भी चूज़ कर सकते हो, रीजेनरेट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टोरी की जो प्रीव्यू है वो दिख जाएगी कि स्टोरी कैसे बनने वाली है। अगर कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में आपको प्रीव्यू दिखेगा। ये देखो स्टोरी आपने एक लाइन में लिखी और इसने 4-4 लाइन निकाल कर रख दिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब देखो आपके लिए ये पूरी की पूरी एक कार्टून वीडियो बना रहा है। तो ये देखो यहाँ पे आपकी जो कार्टून वीडियो है वो रेडी हो चुकी है। अब देखो सीन जो 1 है इसमें आपका ये लिखा हुआ है अ किंग लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन गैम्बलिंग। इसके बाद अगला सीन है उसमें लिखा हुआ है हाउ ट्रेजिक, ये दूसरा कैरेक्टर बोलता है। इसके बाद वाले सीन में पहला कैरेक्टर बोलता है ये इट्स रियली अनलक्की। अब आपको ये सभी चीज़ें जो ऊपर दिख रही है ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेनी है, या यहाँ पे जो यहाँ ये मैंने ऑप्शन बताया आपको, यहाँ से आपको वॉइस सेलेक्ट करके ये चूज़ कर लेना, ठीक है। या तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो या अपनी वॉइस आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे कैरेक्टर में ये वाला एनिमेशन भी डाल सकते हो जो कि कैरेक्टर हिलता डुलता रहेगा, ठीक है।
आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करना तो जैसे का तैसा सिंपल यहाँ पे आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड होके मिल जाएगा। मैं अभी जल्दी जल्दी ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको सुनाता हूँ। अ किंग लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन गैम्बलिंग। अभी दूसरा सीन, इसको रिकॉर्ड करते हैं। हाउ ट्रेजिक। अभी तीसरा सीन है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये इट्स रियली अनलक्की। और इसी तरीके से सारे सीन्स हो गए। अब मैं एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि फाइनल आउटपुट कैसा बना है। तो ये देखो हमारी वीडियो यहाँ पे रेडी है। मैं आपको प्ले करके यहाँ पे सुनाता हूँ और दिखाता हूँ साथ ही। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कार्टून वीडियो? उम्मीद करता हूँ मजा जरूर आया होगा आपको। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं आपको आपके चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दोबारा मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए टाटा।